नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए और वक्त हो गया दंगल का, यानी कि दिन की बड़ी बहस का। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत जल्दी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म वाली पैंट शर्ट पहनाने की तैयारी कर रही है। मतलब ये कि कुछ दिन बाद यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के जैसी वर्दी पहनकर मदरसे जाया करेंगे, कुर्ता पाजामा पहनकर नहीं। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा की दलील है कि इससे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों में हीन भावना आती है, लिहाजा इस पहनावे को बदलना जरूरी है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसे सीधे सीधे धर्म में दखलंदाजी कह रहे हैं। मदरसों से जुड़े मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है कि यूपी सरकार जानबूझकर मदरसों को टारगेट कर रही है। अगर मदरसों में ड्रेस कोड लागू ही करना है तो देश भर के मदरसों में एक साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ यूपी की ही सरकार को ऐसी सोच क्यों आई? बेशक यह सच है कि मदरसे धार्मिक शिक्षा का केंद्र हैं, लेकिन यह भी सच है कि बड़ी तादाद में मदरसे सरकारी सहायता से चलते हैं। जब सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म होती है तो मदरसों में क्यों नहीं हो सकती? और मदरसे में बच्चों को एक सी वर्दी पहना देने से भला धर्म खतरे में कैसे आता है? इसलिए दंगल में आज सवाल पूछेंगे कि मदरसों में यूनिफॉर्म लागू करना क्या इस्लाम में दखल है? क्या योगी सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है? क्या मुसलमानों की धार्मिक पहचान छीनने की साजिश हो रही है? स्कूलों में अगर यूनिफॉर्म है तो मदरसों में क्यों नहीं हो सकती? और क्या यह 2019 के पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत है? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर। आप देखें, अगर मदरसों में आप जाएंगे तो आमतौर से कुर्ते पैजामे पहनकर बच्चे जाते हैं, तो कुर्ता पैजामा एक आराम की ड्रेस है, सर्वधर्म के लोग पहनते हैं। अगर उनको एक ड्रेस कोड जैसे स्कूलों में दी जाती है, कॉलेजेस में होती है, ड्रेस कोड मिलेगा एक अच्छा सा उनको पहनने का, तो उनके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैं वो शिक्षण संस्थान जा रहा हूं कि जहां से मुझे पढ़कर डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है। उनके अंदर एक फीलिंग आएगी, एक जज्बा पैदा होगा। अभी तो सिर्फ एक धार्मिक पढ़ाई के लिए वो जाते हैं, और जिस तरह से जाते हैं सबने देखा है क्या दुर्दशा बनाकर रखी है पिछले 47 से आज तक। ये तो मोदी जी को हम साधुवाद करेंगे और योगी जी को साधुवाद करेंगे कि आज मॉडर्न एजुकेशन की बात हो रही है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप की बात हो रही है। इसलिए जब एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप हो तो हम आगे बढ़ने की बात सोच रहे हैं, तो आगे बढ़ने के लिए समरसता जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये केवल प्लान बनाती है, कुछ कर नहीं पा रही है। 4 साल की मोदी जी की सरकार देख लीजिए और उत्तर प्रदेश में 15 महीने की योगी जी की सरकार। जहां तक सवाल ड्रेस का है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि ड्रेस के बजाय शिक्षा का जो स्तर है वो ठीक करें, मदरसों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक करें, मदरसों को अनुदान बढ़ा करके दें जिससे वहाँ का माहौल पढ़ाई का बने। आप तनख्वाहें दे नहीं पा रहे हैं और पैंट शर्ट और पैजामे कुर्ते की बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये जहन को और इन मुद्दों को भटकाने की बात हो रही है। पहला काम होना चाहिए कि जो मदरसों में टीचर है उनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट पहुंचाए। तो सवाल ये इस बात का है कि जब सारे इदारों में ये इख्तियार दिया गया है कि आप अपने एतबार से ड्रेस चुनें, तो फिर मदरसों के साथ ये भेदभाव क्यों है? और दूसरी सबसे अहम बात है कि हमारे हिंदुस्तान में तो इतनी आज़ादी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं वो भी अपने मजहब के एतबार से ड्रेस चुनते हैं, और कोई भी मुसलमान या हिंदुस्तान का कोई भी दूसरा शहरी उस पर एतराज़ नहीं करता। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ मोहसिन रजा हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं, जिन्होंने ये ऐलान किया कि बहुत जल्दी मदरसों में यूनिफॉर्म होगी, ड्रेस कोड होगा। हमारे साथ प्रोफेसर रिजवान कैसर साहब हैं, इस्लाम के भी जानकार हैं, वैसे जामिया नसीम में पढ़ाते हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ संगीत रागी हैं, आरएसएस से जुड़े हुए विचारक हैं, आरएसएस के जानकार हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से सुनील यादव अब से कुछ मिनट के बाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले मोहसिन रजा, मुझे बताइए ये सोच आपके मन में कहां से आई कि मदरसों में पैंट शर्ट पहनाएंगे, कुर्ता पजामा हटाएंगे? देखिए रोहित, ये सोच इसलिए आई कि जब आज 67 सालों के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में योगी जी ने एनसीईआरटी का जो सिलेबस लागू किया, हम इनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बात आई, क्योंकि 67 सालों में कभी इनके साथ इस तरह की सोच नहीं रखी गई, इनको वोट बैंक बनाकर रखा गया। मदरसे में धार्मिक पढ़ाई होती है, धार्मिक पढ़ाई से कोई एतराज नहीं है, धार्मिक पढ़ाई के लिए कभी कोई बात नहीं की, बल्कि और उसमें जो बेहतर हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए उसके बेहतरी के लिए काम किए हैं सरकार ने। लेकिन हाँ, पहली बार इतिहास में उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार आदरणीय मोदी जी ने
जो ऐतिहासिक काम किए हैं मुस्लिम समाज के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, वो काम अपने आप में लाजवाब है और उसी की पहल है। हम चाहते हैं कि ये जब बच्चे, ये जैसे अभी आपने देखा एक बयान आप दिखा रहे थे हमारे भाई सुफियान साहब का, उन्होंने कहा कि धार्मिक उसकी जो आज़ादी है, तो धार्मिक आज़ादी पर कोई बात नहीं कही गई है। और ड्रेस धार्मिक नहीं होते हैं, ये जो कुर्ता पैजामा है ये तो हम नेता लोग भी पहनते हैं, आम जनता भी पहनती है, सर्व समाज के लोग पहनते हैं, तो इसको आप उससे कहां जोड़ रहे हैं? ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था, समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए था, जिन्होंने इनको वोट बैंक बनाकर रखा, कभी इनके उत्थान और इनके विकास की बात नहीं सोची, कभी इनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात नहीं सोची, कभी इनको आईएएस आईपीएस बनाने की बात नहीं सोची। ये आपको लगता नहीं कि कुर्ता पजामा अपने आप में यूनिफॉर्म है? एक वहां देखिए सब बच्चे एक साथ यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, क्यों आपको दखल देने की जरूरत पड़ी अचानक इसमें? मैंने कहा ये पहली चीज तो ये यूनिफॉर्म आराम की यूनिफॉर्म है, ये किसी शिक्षण संस्थान की यूनिफॉर्म नहीं है, ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कोई यूनिफॉर्म नहीं है। हमारे यहां इस्लाम में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, अगर हो तो मुझे दिखा दे कोई भी धर्मगुरु। हमने तो आम समाज में एक समरसता लाने के लिए कि बच्चों को ये अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि वो भी डॉक्टर बनेंगे, धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक शिक्षा लेकर वो भी अपने डीएम बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, उनके अंदर ये फीलिंग आना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जो जाते हैं पढ़ने के लिए आम स्कूलों में, हमारे बच्चे भी उसमें होते हैं, ठीक है, लेकिन मदरसे का बच्चा ट्रेडिशनल एक ड्रेस बेचारा पहने होता है जो सन 47 से आज तक उसको पहना दी गई है, ठीक है। सैफ अब्बास आ गए, मौलाना सैफ अब्बास, उनसे कमेंट में, उसके पहले रिजवान कैसर, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं इसलिए पेंट कमीज पहनाना चाहते हैं। पेंट कमीज नहीं पहनेगा मदरसे का बच्चा तो डॉक्टर इंजीनियर की फीलिंग नहीं आएगी उसमें। दो तीन बातें बड़े खुले तौर पर हो जानी चाहिए। एक कि अगर मंत्री जी की ऐसी संवेदनशीलता निकल करके आती है कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों का हम ड्रेस बदल देंगे तो उससे मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी, मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। मुख्य धारा में संस्थात्मक तौर पर लोग शामिल होते हैं, ड्रेस पहन के नहीं। भारत में अगर ड्रेस की ही पद्धति को देख ले तो इतना विविधता का देश है, कहीं पर एक तरह की समानता नहीं है। दक्षिण, उत्तर, पूरा, पश्चिम, वो अपनी जगह एक बात है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को रेफरेंस देते हुए ये कहा कि उन्होंने कहा कि कंप्यूटर और तमाम सारी चीज़ों की बातें की और मुख्य धारा में हम शामिल करना चाहते हैं। तो मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो यूनिफॉर्म है ये सेकेंडरी चीज़ है, प्राथमिक चीज़ है कि शिक्षा विषय क्या है, शिक्षा की पद्धति क्या है, क्या आपने मदरसों में कंप्यूटर लैब्स खड़ा करने की कोशिश की है, वो जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक स्किल डेवलपमेंट का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, क्या यूपी की सरकार मदरसों में उसको दाखिल करना चाहती है, इम्प्लीमेंट करना चाहती है कि हम आप ये भी पढ़ते रहो लेकिन कौशलता भी आप हासिल करो, ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो ये कैसे कि अभी तक कुर्ता पैजामा एक टोपी डाल लिया लेकिन नहीं अब हम कुछ यूनिफॉर्म करेंगे। यूनिफॉर्म, एक मिनट सरदाना जी, यूनिफॉर्म क्या करेंगे? पैंट शर्ट। पैंट शर्ट को अगर ऐतिहासिक तौर पे देखें तो किसकी संस्कृति से निकल करके आ रहा? आपने भी तो पहनी है, मैंने भी पहनी है। हम लोग क्या अपनी संस्कृति कट गए हैं पैंट शर्ट पहनना? यही मैं कह रहा हूँ कि ये आप जब क्लास लेने जाते हैं आप कभी वो कुर्ता पजामा उस स्टाइल का पहन के जाते हैं? ड्रेस जरूरी तौर पर मेन स्ट्रीम कर देता है आपको? नहीं, बल्कि ड्रेस तो हमारे देश की विविधता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर मिनिस्ट्री में लाना है इस देश भर के सारे स्कूलों में यूनिफॉर्म होती है, इसको तो मानते हैं आप? सारे यूनिफॉर्म कितने अलग अलग होते हैं, रंग अलग, सारे स्कूलों को आप इस बात पे ऐतराज कर सकते हैं कि योगी खाकी निक्कर पहना रहे हैं या भगवा निक्कर पहना रहे हैं? सिर्फ ये विषय हो सकता था, मैं तो लेकिन यहाँ तो पैंट कमीज पहनाने पे ही सवाल खड़ा हो गया। सरदाना जी, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि मुख्य धारा में लाने की शिक्षा विषय, शिक्षा पद्धति और जितने जो तकनीक है वो उनको अगर आप फराहम कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, मैं तो अपने आप में बहुत बड़ी 100% एग्री करता हूं। लेकिन संगीत रागी, जब उन्होंने कहा कि मदरसों के सिलेबस को अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो कहा गया कि धर्म में दखलंदाजी है। उन्होंने कहा कि बच्चों के हाथ में एक में लैपटॉप एक में कुरान देना चाहते हैं, तो कहा गया कि मदरसे में दखलंदाजी करनी है। उन्होंने कहा कि वर्दी पहनाना चाहते हैं, तो कहा गया धर्म में दखलंदाजी है। ये धर्म में दखलंदाजी है ही नहीं। आपने सुना सुफियान निजामी को? वो तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुख्य धारा में लाने के दूसरी और शर्तें हैं। ये ड्रेस कोड बदल देना, यूनिफॉर्म बदल देना, ये कहीं से मुख्य धारा मतलब में नहीं। वो शर्तें मौलाना तय करेंगे, आप लोग तय करेंगे या सरकारें तय करेंगी?
मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म स्कूल में, सपोज करिए दिल्ली पब्लिक स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है, इतने हजारों सारे के दिल्ली सरकार के स्कूल है, केवल दिल्ली ले लीजिए, उसके जो ड्रेस होता है क्या होगा, चेक होगा, धारी होगा, रंग क्या होगा, सरकार तय, ये तो स्कूल तय करती है, स्कूल सरकारी स्कूलों के लिए तो सरकार सरकारी तौर पे तो अगर दिल्ली सरकार के, लेकिन डीपीएस मॉडर्न ऐसे हजारों ऐसे प्राइवेट, तो अगर प्राइवेट मदरसे होंगे तो वो अपनी यूनिफॉर्म खुद तय कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार से एड पाए कोई मदरसे हैं तो क्या सरकार उसमें तय नहीं करेगी कि आप ऐसी वर्दी पहन के आइए? मकसद क्या है, आप इसे मुख्य धारा में लाना चाहते हैं? मकसद मोहसिन रजा जो बता रहे हैं, ये एक गलत तरीका, मोहसिन रजा खुद डिफेंड कर सकते हैं उस चीज को, मुझे लगता नहीं कि मुझे उस पर तर्क देने की कोई आवश्यकता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर हमारा बच्चा संगीत रागी स्कूल में पढ़ता है, वो यूनिफॉर्म पहन के जाता है, तो मदरसे में पढ़ने वाला क्यों यूनिफॉर्म ना पहन के जाए, वो क्यों अलग दिखाई दे, और क्यों ऐसा लगे कि ये तो देखिए ये मौलाना बनने ही जा रहा है, ये डॉक्टर इंजीनियर बनने नहीं जा रहा, जो बात मुझसे रजा कह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल सही आपने कहा, देखिए मदरसे, मदरसे का जो एजुकेशन पद्धति है उसमें ऐसा लगता है कि जो भी वहाँ से पढ़ करके निकलेगा वो मौलाना ही बनेगा, मदरसों तक सीमित रह जाएगा, दीन में ही उसकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन का काम जो था वो मुरली मनोहर जोशी की सरकार के समय किया गया था, अटल जी की सरकार के समय भी किया, तब भी इस प्रकार के सवाल उठे थे। ड्रेस इसलिए आवश्यक है कि ये सवाल मॉडर्नाइजेशन का है, और चाहे वो ड्रेस कैसा भी हो, जिस प्रकार वो तय करती है सरकार, उससे किसी का धर्म पर को तो कोई कुठाराघात होता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्या वहाँ के मदरसों में पैंट शर्ट पहन करके जाते हैं तो इस्लाम खतरे में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अमेरिका में भी मदरसे हैं, वहाँ भी पढ़ करके पढ़ते हैं, वहाँ भी ड्रेस हैं, क्या इस्लाम खतरे में होता है? तो ये भारत में क्यों ऐसी बातें की जाती है कि यदि वहाँ पर हो जाएगा, और जब भी इस प्रकार की बात आती है तो एक बात बार बार उठाया जाता है, जब एनसीईआरटी का सिलेबस जब आने की आई थी तब भी लोग कहा गया था कि आप शिक्षा का स्तर सुधारें, आप शिक्षकों को जो है वो भर्ती करें, वो भी है, लेकिन यह भी एक हिस्सा हिस्सा है, हम विदुर की तरह किंतु परंतु में हम नहीं जा सकते हैं, एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा एक ड्रेस कोड भी है, तीसरा सिलेबस भी है, क्वालिटी एजुकेशन भी है, उसके उसके व्याकरण कितने पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें उसमें विज्ञान की क्या दिक्कत है, और जैसा इनको है, मैं इनसे सहमत हूं, सारी चीजें स्किल स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, स्टेप बाय स्टेप ही होंगी ना, स्किल डेवलपमेंट का जो डॉक्टर साहब ने अभी आइडिया दे दिया है, सारी चीजें तभी तो होंगी जब आप वहां पर, अगर वो दीनदयाल कौशल योजना मदरसे के दरवाजे तक पहुंच गई तब तो जाने क्या हो जाएगा, आज तो केवल यूनिफॉर्म को लेकर सवाल उठ रहा है, सुनील यादव के पास जाए उसके पहले मौलाना सैफ अब्बास, आप तो दुनिया भर में घूमते भी होंगे, अमेरिका के मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या पहन के जाते हैं, फ्रांस के मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या पहन के जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दुनिया भर में घूमते हैं, सब जगह हैं, हिंदुस्तान के जो मदरसे, सबसे पहली बात ये कि एक तो मदरसों का और कॉलेजेस का और मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियर कॉलेज, इन सबको मिला के रख दिया गया है, किसी चीज की अलग अलग चीजों को समझने की जरूरत है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, मदरसों की एक ड्रेस कुर्ता पैजामा है, हम कहते हैं मोहसिन रजा साहब लेके ड्रेस कोड आ रहे हैं, ठीक है ड्रेस कोड लेके आइए, लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप का मरहला है वो शिक्षा है, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है, मदरसे में शिक्षा का स्तर, एनसीईआरटी की किताबें आ रही, क्या हुआ अभी कुछ नहीं पता, एक नया नया शगुफा छोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर बहस हो रही है, हम कहते हैं ड्रेस होना चाहिए हर जगह की, अब मोहसिन रजा साहब अगर ड्रेस लेके आ रहे हैं तो कलर भी बता दे कि भगवा कलर की होगी या ऑरेंज कलर की होगी, किस कलर की होगी, इस तरीके से ये सेकेंडरी बातों को लाया जा रहा है कि हज कमेटी के ऑफिस का रंग भगवा कर दिया गया, मैं कहता हूं बेसिक चीजों पे बात करें, बेसिक चीजों पे इसी का लग रहा है क्या कि भगवा रंग कितनी पहना देंगे पैंट, क्या है ये आप हमको पहले बता दीजिए, उसके बाद दूसरे स्टेप में बात होगी, मैं लाठी के लिए क्या किया, नहीं मेरा सवाल ये है कि गुरुकुलों में भी बच्चे पढ़ते हैं ना, वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, मैंने ऐसे गुरुकुल देखे हैं जहां कुर्ता पजामा पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं, तो वहां आपने कभी क्यों नहीं कहा कि साहब इनको पैंट शर्ट पहनाओ वरना ये बच्चे लेफ्ट आउट महसूस करेंगे, इनको लगेगा कि हम पंडित ही बनने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, देखिए देखिए जैसे गुरुकुल की परंपरा है वो अपनी अपनी परंपरा है, वैसे ही मदरसा की परंपरा है, कह रहे हैं उनकी पहली लाइन थी मदरसे को आप मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से मत तोलिए, देखिए वो कह रहे हैं कि मदरसा धार्मिक शिक्षा का केंद्र है वो स्कूल है ही नहीं, देखिए नहीं इन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि मदरसों के अंदर जो है आप एक तरफ कहते हैं
कि जो मदरसों से शिक्षा पाई जाती है उसकी डिग्री जो है वो 10th की डिग्री इनसे पूछ चाहिए। मुझे लगता है हम कंफ्यूज है या वो कंफ्यूज है, इनसे पूछ लेते हैं प्रोफेसर साहब की डिग्री मदरसा स्कूल है कि नहीं, उनकी डिग्री इक्विवेलेंट मानी जा रही है। मेरी बात को तोड़ रहे हैं, उनकी डिग्री यही डिग्री मैं पूछ रहा हूं आपसे, बात ये मदरसा स्कूल होता है कि नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज को मदरसे को स्कूल माने कि ना माने, मदरसे को अलग उसकी डिग्री को इक्विवेलेंट माना जाता है, मदरसे को स्कूल माने कि ना माने, सरकार ने तय कर दिया है कि नौकरी में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, मदरसा स्कूल है लेकिन स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, मदरसा स्कूल है तो फिर उसको इंजीनियरिंग कॉलेज से मेडिकल कॉलेज से जैसे डीपीएस को तुलना करते हैं, मॉडर्न स्कूल को तुलना करते हैं जिनका आप नाम लेते, तो मदरसे की तुलना क्यों नहीं होगी, होगी सवाल पूछा जाएगा, कल को ये भी पूछा जाएगा फिर इन्होंने रिजल्ट कैसे दिए, कितने बच्चे पास हुए। यूनिफॉर्म के मसले पर मैं बता दूं कि एक पॉइंट मैं कह रहा हूं ये मदरसे के शिक्षकों की तनख्वाह देते महीने महीने मदरसे तब उसके बाद बनेगी भाई, ये जो बड़ा चक्कर है ना मौलाना साहब, जो भी बात कही जाए उसमें एक राइटर घुमा के ले आए कि पहले ऐसा तो कर दो फिर वैसा कर लेंगे, तवज्जो नहीं दे रहे, जो चीज पूछी जाए उसमें एक राइटर लगा दिया जाए कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ फिर ये वाला काम करवाना, हम मुसलमानों का विकास चाहते हैं लेकिन जाओ पहले ऐसा करके आओ फिर वैसा कर लेना, हम ट्रिपल तलाक हटाना चाहते हैं लेकिन पहले हिंदुओं में तलाक का रेट को देख लो, मतलब की बात मैं कहूंगा शिक्षकों को तीन तीन महीने चार चार महीने सैलरी नहीं मिल रही है, आपको पता है सरकारी स्कूलों में बाकी का क्या हाल है, बाकी सरकारी स्कूलों में क्या हाल है आपको पता है, उत्तराखंड के कॉलेजों के प्रोफेसर चार महीने सड़कों में बैठे रहे थे, तनख्वाह नहीं मिल रही थी, आपको पता है, नहीं मुझे नहीं पता, रखिए ना देखा कीजिए टीवी पढ़ा कीजिए अखबार, पता लगेगा आपको, मदरसा बोर्ड के जो मंत्री जी माइनॉरिटी के ये मेला सेकेंडरी चीजों पे बात कर रहे हैं, देखिए बिल्डिंग का कलर कैसा हो, ड्रेस का कलर कैसा हो, कुर्ता पैजामा हो, पैंट हो, शर्ट हो, टोपी हो, मौलाना साहब अभी तो कलर तक आया नहीं मसला, मैं कह रहा हूँ बेसिक चीजों पे बात कीजिए, जो गाड़ी तक गई है कि पैंट कमीज क्यों पहना रहा है, कुर्ता पैजामा क्यों नहीं पहन रहे, शिक्षक स्तर पे बात कहां से होगी जब हम ऐसी चीजों में हम दो दो घंटे चार चार घंटे डिबेट्स करेंगे बैठ के, तो हम कहां से डिस्कस करेंगे कि मदरसे का करिकुलम क्या है, वहां पढ़ाया क्या जा रहा है, और अगर यहां सवाल उठ जाए कि वहां भी किताबें भारत के मदरसों में कई जगह पढ़ाई जा रही हैं, उसके बाद आप देखिए कैसे आग लग जाती है डिबेट्स में, करिकुलम तो बहुत पीछे छूट जाता है सर, मेरे ख्याल में मदरसा एजुकेशन को ये अगर सरकार की तरफ से ये पहल आती है तो बिल्कुल नहीं आगे लगता है, एक सेकंड सैफ साहब, एक सेकंड ना रिजवान साहब बोल रहे हैं के लिए उसको तरक्की देने के लिए सैफ साहब, एक सेकंड ना, एक सेकंड रिजवान साहब बोल रहे हैं, उनको भी सुने, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए योगी जी को सरकार में आए हुए बहुत समय नहीं हुआ है और उन्हें अभी एक लंबा समय मिलेगा यूपी में जमीन पे काम करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी अच्छी नीति होगी, बड़ी अच्छी पहल होगी योगी जी की तरफ से अगर वो एक पैकेज डील लेकर के आए और ये कहें कि हम पूरे यूपी के स्तर पे नहीं बल्कि कुछ स्तर में हम मदरसा शिक्षा के अंदर की जो चीजें हैं उसके अंदर हम कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, जैसे पेडागोजी एक चीज है, पेडागोजी उसकी जो ट्रेनिंग होती है जो बीएड के स्कूलों में एमएड के स्कूलों में जो पेडागोजी की ट्रेनिंग होती है हम वो करेंगे, शिक्षा विषय बदलेंगे, मिसाल के लिए जो आधुनिक शिक्षा है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, आज से तकरीबन 100 साल पहले मौलाना आजाद ने मदरसा इस्लामिया रांची कायम किया था, आज भी वो बिल्डिंग मौजूद है और वहाँ उन्होंने साइंस की, मैथमेटिक्स की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, ये सब पढ़ाने का प्रावधान किया, बहुत सारे मदरसा ऐसा पढ़ाते भी हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो इस तरह के विषयों को छूते नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में सरकार की तरफ से पहल अगर एक पैकेज डील करके आए कि हम ये तमाम सारी चीजें करते हैं और जितने लोग मदरसा शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं बहुत अच्छी बात, वो लोग भी अगर अपनी बात कदम ब कदम मिला करके कहें तो एक पैकेज डील होना चाहिए, लेकिन सुंदर आपने बात कही है, केवल ड्रेस और यूनिफॉर्म पर जो बड़ी सुंदर आपने बात कही है, लेकिन मेरा सवाल तो फिर वहीं का वहीं है, सुनील यादव पैंट कमीज पे हम घंटों घंटों हफ्तों हफ्तों बहस करने में उलझे रहेंगे, सिलेबस का अगर सवाल उठा दिया उसके बाद तो आप लोग सड़कों पर आ जाएंगे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेके कि ये देखो इस्लाम पे हमला कर दिया योगी ने, क्योंकि आपका बयान सुन लिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जो आ जाएंगे देखिए रोहित जी हम लोग क्यों आ जाएंगे, अगर मदरसों का या स्कूलों का जो शिक्षा का स्तर है अगर बेहतर सरकार करेगी, देखिए विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि सरकार जो भी काम करे उसके हम खिलाफ आ जाएं, सरकार अगर उत्तर प्रदेश के लिए या देश के लिए अगर अच्छा काम करेगी तो विपक्ष उसके साथ है, लेकिन सरकार अगर जी तीन महीने पहले मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने को लेकर बहस हुई थी, बिल्कुल आपकी पार्टी कह रही थी कि शिक्षा का भगवाकरण करना चाहते हैं, मदरसों में भी वही पढ़ाना चाहते हैं, नहीं नहीं देखिए भगवाकरण अलग है,
भगवाकरण होना अलग है, पढ़ाने से भगवाकरण हो जाता है, बेहतर होना अलग है। देखिए अगर आप टॉयलेट भगवा कलर का कर देंगे, उसकी दीवार भगवा कलर का कर देंगे, उससे ये आपका हक नहीं है, क्योंकि क्योंकि भगवा जो रंग है वो हिंदुत्व का रंग है, वो हमारी आस्था का रंग है। आप हमारी आस्था के रंग को आप टॉयलेट का रंग नहीं बना सकते। हाँ, वो आप कैसी बुक ला रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वो अच्छी बात है। जहां तक सवाल है कि सरकार संकल्प लेने में और प्रस्ताव लाने में बहुत माहिर है। इन लोगों ने क्या सरयों के किनारे भगवान राम का मूर्ति लगा दी, क्या लक्ष्मण की मूर्ति लगा दी, ये क्योंकि रोहित जी ये अपने मुद्दे पर, इनके मुद्दे पर आप कहीं डिबेट ना करें, नहीं अभी कहीं तो बेरोजगारी को लेकर के, इनके वादों को लेकर डिबेट ना करें। इसलिए ये मदरसे की वर्दी पर, क्या मदरसे में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? अरे होनी चाहिए, अरे होनी चाहिए, कौन सी बुराई है? मैं कह रहा हूं होनी चाहिए। आप अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अगर अच्छा ड्रेस दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। एनसीईआरटी की किताबें मई से लागू हो गई मदरसों में, अब क्या एनसीईआरटी के स्कूलों जैसी वर्दी लागू होनी चाहिए मदरसों में? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये सरकार की जिम्मेदारी, जो मदरसे सरकार के अंडर में है वहां तो सरकार फैसला लेगी, और जो सरकार फैसला लेगी वो जैसे दूसरे विद्यालयों को मान्य है वैसे वहां भी मान्य होंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस मंशा के तहत इस तरीके के बयान देती है, इस तरीके के मुद्दों को छेड़ती है, उनका मकसद दूसरा होता है। मोहसिन रजा जवाब दीजिए, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा देना नहीं है। मोहसिन रजा जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं असली मुद्दों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते, असली ड्रामा करना चाहते हैं इस तरीके के बयान देके। देखिए आप, पहली चीज तो मैं कहूंगा कि कम से कम मैं साजन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये माना कि ड्रेस कोड होना चाहिए। एक बात मैं और करेक्ट करना चाहूंगा, वो हमारे भाई भी हैं क्योंकि हमारे ही वतन से आते हैं, उन्होंने कहा कि भगवा हिंदुत्व का कलर है। उनको ये पता होना चाहिए कि भगवा पूरे संसार के लिए ईश्वर का भेजा हुआ कलर है, जिससे पूरे संसार को ईश्वर जगाता है और इसी कलर में छोड़कर जाता है जब रात होती है। ये भगवा जो है ये हमारे जीवन में उजाला लाता है, इसको आप उस दृष्टि से मत देखिए। ये कलर को जो धारण करता है उसके जीवन में उजाला ही उजाला होता है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बनाकर रखा हुआ था मुस्लिम समाज को। हम रोहित इतनी बात कहना चाहते हैं, ये तो हज हाउस भगवा कर दिया था, डॉक्टर साहब ने योगी जी जा रहे थे वहां का टॉयलेट भगवा कर दिया था, लोगों ने स्वागत करता हूं, मसला भगवे का नहीं है ना। ने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं, मैं चाहूंगा कि वो लखनऊ आए, हम उनको बुलाएंगे, उनके पास अच्छे विचार है वो हमें दें। हम शिक्षा प्रणाली को और कैसे बेहतर करें, उनके पास क्या आइडियाज हैं, क्या पैकेज है वो भी दें, क्योंकि सरकार समाज के लिए अच्छा काम करती है और समाज से मिलने वाला ही जो हमको आइडियाज होता है उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। तो लेकिन ड्रेस, जहां तक ड्रेस कोड की बात है, तो ड्रेस कोड तो बेसिक चीज है। अगर आप किसी शिक्षण संस्थान में बच्चे को भेजेंगे और ड्रेस कोड नहीं होगा तो उसको क्या पता चलेगा कि हम कहां जा रहे हैं? आपने जो सन 47 से आज तक हाल देखा है, इसी वजह से तो मुस्लिम समाज पिछड़ा है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस और उनके सहयोगी दल है। मतलब कुर्ता पजामा पहनने से, मदरसे में कुर्ता पजामा पहनने की वजह से मुसलमान पिछड़े हुए, ये मोहसिन रजा कह रहे हैं। मेरा ख्याल में मोहसिन रजा साहब ने एक तो भगवा रंग की जितनी तारीफ करी तो उससे सियासी फायदा हो सकता है, लेकिन उस रंग से किसी का वास्तविकता के तौर पर कोई फायदा होगा ऐसा है नहीं। नंबर दो, अगर मुस्लिम समुदाय पिछड़ा है तो पिछड़ा कई कारणों से है, आर्थिक तौर पर है, शैक्षिक तौर पर है, सामाजिक तौर पर है, उसके बहुत हजारों कारण है, बहुत सारे समाजशास्त्री नहीं है कि मदरसों को लेकिन स्कूल को मानते हैं लेकिन मदरसों को स्कूल की तरह ट्रीट नहीं करते। नहीं नहीं, रोहित जी मदरसों को क्या वो सम्मान आप दिला पाएंगे? मुख्यधारा बड़े से बड़े इतने सारे, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी है? एक सेकंड मोहसिन साहब, भारत में क्या मदरसों को वो सम्मान आप दिला पाए जैसा जिन स्कूलों के आप नाम लेते हैं उनको होता? मैं आपसे एक बात, आपके आपके इस चैनल का माध्यम बना करके और आपका समर्थन भी लेते हुए मैं एक बात कहता हूं कि भारत की जो संस्कृति जिसको कहते हैं कि ये मुख्य धारा, तमाम सारे लोग आकर के जुड़ जाएं, मेरा ऐसा मानना है रोहित जी कि भारत की जो संस्कृति है वो सहस्त्र धारा की संस्कृति है, हजारों ट्रेडिशंस हैं इसके। अगर आप केवल दक्षिण चले जाएं, हम दक्षिण बोल करके रह जाते हैं, तमिलनाडु चले जाएं तमिलनाडु बोल के रह जाते हैं, उसके अंदर 20 धाराएं हैं। तो सवाल यह है कि भारत इतनी विविधता का देश है और उसकी इतनी धाराएं हैं,
कौन सी धारा मुख्य धारा है ये तय करना मुश्किल है, लेकिन इतनी चिंता हम सब आपको है एक नागरिक होने के नाते कि समाज का कोई तबका पीछे ना रह जाए। पिछले 70 सालों में हम लोगों ने दलित समाज को ऊपर उठाने की कोशिश की, बहुत करने के बावजूद दलित समाज को वो फायदा नहीं पहुंच पाया जो मिलना चाहिए। 70 सालों में अगर आप मुसलमानों का इतिहास देखें पोस्ट पार्टीशन तो काफ़ी पीछे चला गया है, हजारों कारण उसके पूरे सामाजिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, शैक्षिक हैं, सब हैं। इसको हम अगर ऊपर करना चाहते हैं और ये कह देते हैं कि ड्रेस कोड बदल दीजिए तो वो बहुत मुख्य धारा में आ जाएंगे। सर एक बात मुझे नहीं लगता, इनकार नहीं कर सकते कि राजनीति मुसलमानों के नाम पर सबसे ज्यादा हुई है। सवाल ये कि क्या मदरसों में कुर्ते पजामे की जगह पैंट शर्ट पहनने लगेंगे तो वो धर्म में दखल होगा। यूपी की सरकार कह रही है कि बच्चों को आधुनिक बनाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको कुर्ते पजामे से बाहर निकालकर पैंट शर्ट पहनाना जरूरी है, लेकिन कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि ये धर्म में सीधे सीधे तौर पर दखल है। किसी दर्शक ने एक बात लिखी है मोहसिन रजा साहब, वो कह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री तो खुद मुख्यधारा में शामिल नहीं है, पैंट कमीज नहीं पहनते, बच्चों को कैसे आप मुख्यधारा में शामिल करने की बात कर रहे हैं पैंट कमीज पहना के। वो एक योगी भी है, एक महंत भी है, ये उनको पता होना चाहिए। जैसे ही हमारे समाज के तमाम मौलाना लोग अपनी तरह से रहते हैं, लेकिन बच्चों को जो हम ले जाने की बात कर रहे हैं, उनका सवाल का जवाब मैंने इसलिए बता दिया कि अभी एक मौलाना जनाब सैफ अब्बास साहब भी बैठे हैं, उनको देख लें, वो टीवी पर दिख रहे होंगे उनको, तो ये इनकी एक पहचान होती है और उनकी इज्जत होती है उनका जो है। और ये जो बच्चे शिक्षण संस्थान में ड्रेस कोड पहनते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और जो लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करी, और एक सीधी सी बात मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं रोहित, ये गुर्बत की निशानी है कुर्ता पैजामा हमारे कांग्रेस मुसलमान बच्चों का, उन्होंने मजबूरी में पहने हैं ये, वो भी पहनना चाहते हैं अच्छे कपड़े, वो भी पहनना चाहते हैं, वो भी जाना चाहते हैं मुख्य धारा में, जिन्होंने वोट बैंक की सियासत की है उनके साथ में। रोहित साहब मैं बात करना चाहिए, आज हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदारी के साथ पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। बोलिए मौलाना साहब, हम ईमानदारी से उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, मुख्य धारा में जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस से क्यों नहीं की, समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं की। ठीक है, समाजवादी पार्टी से पूछे, उसके पहले मौलाना सैफ अब्बास कमेंट करना चाहते हैं, बोलिए सैफ अब्बास। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, इसका सबने वेलकम किया, किसी ने इसको नहीं किया। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि मदरसे का ये मंत्री जी हैं मोहसिन रजा साहब, इनसे पूछिए, मदरसे का अरबी फारसी मदरसा बोर्ड है, एक बात, इसके एक पूरी कमेटी है, 12 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से सेलेक्ट होते हैं, तो जो बात करना है वो बोर्ड के जरिए से सिस्टमेटिक तरीके से हो, किसी चीज के इनॉग्रेशन पे या इफ्तिताह पर पहुंचकर कह देना ये बात मुनासिब नहीं। दूसरी बात, हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं मुसलमानों को ढकेला गया पीछे, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों को मुस्लिम नेताओं ने ढकेल दिया पीछे, उसका रीजन क्या है, अब आपको बनाया गया माइनॉरिटी के कामों के लिए, तो आप माइनॉरिटी के कामों को ऊपर ले जाइए, उनके कामों को कीजिए, ना कि आप भगवा रंग में हज कमेटी के दफ्तर को रंगवा दीजिए, भगवा रंग सारे काम में करवा दीजिए, और इस तरीके से आप शिक्षा के ऊपर बात कीजिए, मैं बिल्कुल उसको वेलकम करेंगे, आप क्यों नहीं शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे, आपने अब तक कितने मदरसों को ग्रांट पर लिया, ताजे मदरसों पर, आप हमको इसका जवाब दीजिए, 1.25 साल हो गया सिर्फ हवा में बातें चल रही हैं, आप बताइए कितने मदरसों को 1.25 साल में आपने ग्रांट पे लिया, सैलरी टीचर्स की कैसे पहुंच रही है, आप ये दो जवाब हमको। मौलाना साहब मुझे एक बात तो बताइए, माइनॉरिटी को मौलाना साहब आपको याद है एक दिन नीचे गिरा रहे हैं, आपको याद है मौलाना साहब, सब मदरसे अपनी जानकारी साझा करेंगे सरकार के साथ, सब मदरसों को रजिस्टर करने की बात हुई तो आप बैठे थे यहां विरोध करने वालों में, भूल रहे हैं क्या आप उस बात को, सूफियान निजामी बैठे थे विरोध करने वालों में, वो कह रहे थे कि तांगझांग करना चाहते हैं मदरसों में, काहे में ऐसा क्या करते हैं आप जो तांगझांग से डरते हैं भाई, काहे में नहीं, बात सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे, आप बोर्ड के जरिए बात कीजिए ना, मदरसे जो रजिस्टर्ड हैं उनके प्रधानाचार्यों को बुला के, आप किसी इनॉग्रेशन में जाकर कोई बात कह के लागू थोड़ी कर दीजिएगा, मदरसों का पूरा बोर्ड है, इसका एक चेयरमैन है, इसके 12 मेंबर हैं, उनसे कहिए वो इसका एक बुलाकर बात करे कैसे होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, आप हज हाउस के गए वहां से कैंप में गए और वहां जाके बात कही, तो ऐसे मदरसा बोर्ड थोड़ी चलेगा,
सर मैंने कहा पूरा बोर्ड है 16,800 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जानकारी दी, तो सिस्टम 2,300 मदरसे अब भी ऐसे हैं जो ये तय करके बैठे हैं कि हम जानकारी दे देंगे अपने बारे में, तो इसका मतलब दखल है, इसका मतलब सरकार ताकझांक चाहती है। रिजवान कैसर साहब, तो लोग क्यों नहीं सोचेंगे कि ऐसा क्या करा रहे हैं भाई मदरसे में जिसको छुपा के रखना चाहते हैं? नहीं, क्यों नहीं लोगों में यह फैलेगा कि मदरसे में आतंकवादी जिन्होंने दी है वो मैं समझ के ऐसा है कि चल रहे हैं। एक सेकंड, जमीन पे है ही नहीं, एक सेकंड, जमीन पे है नहीं तो उनकी भी जानकारी लाना आप ही की जिम्मेदारी है ना सर। मेरे ख्याल में कैसर साहब बोलिए, मेरा ख्याल में ऐसा है कि जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, मदरसा हैं, वो समाज में काम कर रहे हैं और अगर उसकी कहीं ना कहीं से एक अकाउंटिंग होती है, उसकी ऑडिटिंग होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आकर के बताएं कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। लेकिन ये भ्रांति पिछले 15 सालों से 20 सालों से लगातार के मदरसों में आतंकवादी पल रहे हैं और जो देवबंदी स्कूल के लोग हैं वो से मिजाज में कट्टरपंथी पैदा कर रहे हैं, आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह भ्रांतिपूर्ण कैंपेन रहा है पिछले दिनों मदरसों के खिलाफ। इस मानसिकता से निकल करके दो बातें रोहित जी और कहना चाहता हूं। नंबर एक, ड्रेस कोड बदल देना ना तो धर्म में हस्तक्षेप है, नंबर एक। नंबर दो, ड्रेस कोड बदल देने से मुसलमानों में आधुनिकता और मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी, यह भी भ्रांतिपूर्ण मान्यता बच्चों को आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि आत्मविश्वास, तो जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। एक बंदा धोती कुर्ता पहन करके अगर बहुत ज्ञानी है तो आत्मविश्वास उसका धोती कुर्ते से नहीं आ रहा है, उसके ज्ञान से आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि न तो ये मजहब पर हमला है और न ही इससे आधुनिकीकरण आने वाला है। पर मेरा एक शगुफा मात्र, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपने अभी उदाहरण दिया था ब्रेक में के मदरसे के पढ़े हुए आप आईएएस भी जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं, इंजीनियर भी जानते हैं, लेकिन अब मैं ये पूछ रहा हूँ संगीत रागी के, वो मदरसे के पढ़े हुए आईएएस इंजीनियर डॉक्टर अफसर वो मौलाना जैसे क्यों नहीं दिखते? वो क्यों प्रोफेसर साहब जैसे मेरे आपके जैसे कपड़े पहन के बैठते हैं? वो क्यों नहीं मौलाना बन के घूमते बाहर? आपने बहुत गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है, और ऐसा इसलिए कि मदरसों में कौन पढ़ने जाते हैं? बहुत एक गरीब तबके का आदमी पढ़ने जाता है मदरसों के अंदर, और वो गरीब तबका जैसा कि मंत्री ने कहा ठीक कह रहे हैं, उसे भी कपड़ों की इच्छा होती है, हम अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छे मोबाइल लेकर गए, हमारा अच्छा एजुकेशन हो। मैं मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मैं मुजफ्फरनगर के मदरसों का एक अध्ययन करने गया था, वहाँ पर फिजिक्स के टीचर नहीं है, मैथमेटिक्स के टीचर नहीं है, वो पढ़ना चाहता है बच्चा, एक ही इमाम उनको सारे जानकारियां पढ़ाना है। ये बहुत पुराने जमाने की, ये 60 और 70 के दशक में हुआ करते थे, अब वहां से एजुकेशन की जो पैडागोजी ये कह रहे थे वो पूरा बदल गया है। मैं एक और गंभीर सवाल एक छोड़ करके जा रहा हूं, मुस्लिम समाज बार बार अपने अशिक्षा की बात करता है, गरीबी की बात करता है, मुसलमानों का जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो शहरों में है या सेमी अर्बन सेंटर्स में है, जहां पर शिक्षा के माध्यम एजुकेशन और हेल्थ के फैसिलिटी जो हैं वो सबसे ज्यादा रहे हैं। उनको अपने से प्रश्न पूछना चाहिए कि वो क्यों फिर गरीब क्यों हैं? अपॉर्चुनिटी वहां उन्हें ज्यादा मिली है, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, लेकिन यदि आप एजुकेशन नहीं करेंगे, यदि आप मदरसे को एजुकेशन लेकर के जाएंगे और यदि आप कांग्रेस या किसी सरकार से आप जबरदस्ती मौलाना लोग बन करके कहे कि नहीं आप मदरसे के एजुकेशन को जो है वो एनसीईआरटी के स्कूल के बराबर मान्यता दे दी जाए, तो मान्यता तो दे दी जाएगी, सर्टिफिकेट तो दे दिया जाएगा, लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आपके पास स्किल नहीं रहेगा और आपके एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं देना चाहेगा। ठीक, चाहे वो संस्कृत स्कूल से ही पढ़ा हुआ क्यों व्यक्ति नहीं होगा, यदि उसके पास स्किल नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सबको सोचना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको गति दे, कम से कम राष्ट्र के लिए सोचें, राजनीति को थोड़े देर तक वो विराम दे सकते हैं। ठीक, पड़ जाएगा तो फिर वोट के लिए बातों में कैसे आएगा राजनीतिक पार्टी के मुसलमान? बोले सुनील यादव, सच यही है ना कि अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा तो फिर भेड़ की तरह हांका कैसे जाएगा? इसलिए कभी मदरसे को देखिए गवर्नमेंट होने नहीं दिया गया, कभी मदरसे को प्राइवेट स्कूल के लेवल का होने नहीं दिया गया। जी रोहित जी, मुझे लगता है कि ये जो आपका सवाल है ये उन सरकारों के लिए जरूरी है जो सरकारें देश में रही हैं। पिछली तो आप ही की थी उत्तर प्रदेश में। सवाल ये संघ के जानकार हैं और मंत्री जी बैठे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हम एक हाथ में कुरान देना चाहते हैं, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं। ये लैपटॉप वाला आपका जुमला कब सही होगा? लैपटॉप तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया मुसलमान के बच्चों को, जब हिंदुओं के बच्चों को दिया तो उन्होंने सबको दिया, लेकिन आप केवल लैपटॉप की बात करते हैं। रोहित जी आपने भी कहा
कि 16,800 कुछ मदरसों ने अपनी जानकारी दे दी, 2,000 कुछ मदरसों ने जानकारी नहीं दी, तो सर ये हमारे आपसे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है, जिन मदरसों ने जानकारी नहीं दी सरकार ने उन मदरसों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जिन मदरसों ने जानकारी दे दी उन मदरसों में से सरकार ने कितनों को ग्रांट में लिया है, कितनों की मदद की है। केवल बातों में, जुमलों में, आंकड़ों में, कागज में मुसलमान की बात करना, मदरसे की बात करना, उनके सहूलियत की बात करना, ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन सरकार ने काम क्या किया है। सरकार ने जब 404 करोड़ रुपए का ऐलान किया अभी कुछ रोज पहले बजट में अरबी फारसी मदरसा बोर्ड के लिए, वो नहीं देखा आपने? और आप ही लोग डिफेंड कर रहे थे ये कहते हुए मदरसा वालों को कि ये सही कह रहे हैं सरकार दखलंदाजी करना चाहती है ना। ये समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा होगा सर, कैसी आप बात कर रहे हैं, आप सारे दूसरी चीज में धर्म तलाश लिया जाता है यहाँ पर, अगर मदरसे में लागू किया जाए देने में, ये छुट्टियों में बदलाव की बात हो तो उसमें धर्म तलाश किया जाता है, वर्दी में बदलाव की बात हो, गया कहां करिकुलम तो भूल ही जाइए, के लिए भी दे देते हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये केवल आंकड़ों में बात करने वाली सरकार है, जुमलों में बात करने वाली सरकार है। गोलपोस्ट करके नहीं, मदरसे पे रहते हुए बात बताइए। आपने 15 महीने में, भाई माननीय मंत्री जी बैठे हैं डिबेट में, ये बताएं कि 15 महीने की सरकार में आपने जमीन पर कौन सी चीज को उतारा है, किस चीज को आपने सहूलियत दी है। केवल बातें करते रहेंगे टीवी पर, अखबार पे फोटो खिंचाते रहेंगे, उससे भाई प्रदेश का क्या होने वाला है। यादव जी आप भी कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।